नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था गुरुचेला पे नई सीरीज चालू कर रहे हैं जीवनोपयोगी बातें। मित्रों, विभिन्न तरह की रोगों का विश्लेषण करने के बाद जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे जो पेट है, हमारा उदर है, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है और हम इस पर ही ध्यान खाने पीने पर नहीं देते हैं, तो हम आज एक विषय यही लेकर करके चलते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। हमें इस पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत से रोगों से हमें निजात तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि खाना जो हम खाते हैं उससे ही रस बनता है। सप्त धातुएं उस रस से बनती है, इसके बाद में विभिन्न धातुएं बनती है जो शरीर को पुष्टि प्रदान करती है। लेकिन जब हम खाने में ही गड़बड़ कर देते हैं, हम उचित चीज़ नहीं खाते हैं, जो हमारे लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, वो चीज़ नहीं खाते हैं, तो वो जाकर के आगे जाके हमें हमारे गड़बड़ करती है। इसीलिए हमें इसके ऊपर में बहुत सही तरीके से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे, चरक ऋषि हुए थे, वो उनके पास बहुत से शिष्य आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बार शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए ऋषि शिष्य जंगल के अंदर औषधियाँ लाने के लिए गए हुए थे। औषधियाँ ला रहे थे तो वो तोते का रूप बना करके पहुँच गए शिष्यों के पास, और शिष्यों को उन्होंने सवाल किया, कह रुख यानी स्वस्थ कौन है? तो शिष्य ने जवाब दिया, रित भूख, जो ऋतु के अनुकूल आहार ग्रहण करता है, जो ऋतु के अनुसार जो चीज़ें खाता है वो स्वस्थ है। कुछ देर बाद ऋषि ने वापिस पूछा, कह रुख? शिष्य ने जवाब दिया, मित भूख, यानी हम अपने पेट की जो कैपेसिटी है, पेट की जो क्षमता है, उससे हम थोड़ा कम खाएं, थोड़ा हवा और पानी के लिए स्थान रखें। तीसरी बार फिर उन्होंने पूछा ऋषि ने, कह रुख? शिष्य ने जवाब दिया, हित भूख, यानी हितकारी जो हो, हमारे शरीर के लिए गुणकारी हो। मित्रों, आज हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग, हमारे में से अधिकांश लोग है, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। बड़े बड़े महानगरों में मैंने देखा है कि लोरी ठेले गाड़ी वाले लगा के रखते हैं फुटपाथों पर, डस्ट उड़ती रहती है, गर्द उड़ती रहती है, अच्छी अच्छी कारों के अंदर, अच्छी अच्छी गाड़ियों के अंदर आकर के वो साइड में लगाते हैं, अपनी दरी निकाल के फुटपाथ के ऊपर बैठ करके, और वो उनसे वो लेकर के फुटपाथ पर बैठ के खाते हैं। बड़ी विडंबना है, देख करके हैरानी होती है कि ये अच्छे अच्छे परिवार के, अच्छी जगह रहने वाले आकर के, और यहाँ ये क्या खा रहे हैं? वो बना रहा है, को तेल डाला है, छुम, कभी वो मिर्च डालता है, कभी क्या डालता है, इनको पता भी नहीं है ये हमारे को क्या दे रहा है, और वो हमारे शरीर हम खा लेते हैं। उन्होंने, ऋषि ने कहा कि हित भूख, यानी जो वो चीज़ हम खाएं जो शरीर के लिए गुणकारी हो, शरीर में जाकर के हमें पौष्टिकता, पुष्टि प्रदान करे, वो चीज़ खानी चाहिए। लेकिन हमें तो ये पता भी नहीं है कि वो क्या दे रहा है हमें, वो भाई ये क्या खा रहे हो, ये क्या चीज़ बनी है, ये आलू टिकिया है, अरे ये आलू टिकिया कैसे क्या बना रहे हो, तो तेल ही तेल के अंदर में। एक नियम है मित्रों कि जब हम तेल को गर्म करते हैं, कोई चीज़ उसके अंदर से निकालते हैं, फिर तेल को ठंडा करके फिर दोबारा अगर उस तेल को अगर गर्म करते हैं तो वो तेल जहर हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं देखता, उन्हें होटल वालों को क्या मतलब है कि तेल गर्म है कि तेल ठंडा है, कि सामने वाले को नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। आपको मैं बताऊँ, विडंबना है, मेरे घर के पास एक कुआ है, पीछे खारा कुआ बोलते हैं, उसके पास खेलियाँ बनी हुई थी जो जानवरों को पानी पीने के लिए जो खेलियाँ, जिसमें उसका सप्लाई विभाग का पानी की लगी हुई है नल, तो उसमें से पानी आता था, खेलियाँ भर जाती थी, उसमें गाय, भैंस, गधे, कुत्ते, वो सब पानी पीते रहते थे खेलियों में। और गर्मियों के अंदर मैंने देखा कि कुत्ते, कोई कुत्ते तो उसमें नहाने का आनंद भी लेते थे, अंदर लौटते रहते थे। उसी के अंदर एक दिन देखा मैंने कि एक पानी पूरी वाला उधर से जा रहा है, उसने रोक करके और अपनी बाल्टी उठाई और उस थैली में से पानी लाके अपने वाले में से डाल दिया।
मैंने कहा भाई ये क्या करते हो, इसमें तो कुत्ते लौटते हैं, कुत्ते पानी पीते हैं, कितनी गंदगी पड़ी है। तो बोला हम किससे मांगने के लिए जाएं, उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन हम तो अपने शरीर के अंदर में ले रहे हैं, खा रहे हैं। मित्रों, ये शरीर अपना परमात्मा का दिया हुआ मंदिर है, ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि जब हमारी इच्छा हुई तुरंत कोई भी चीज़ डाल दी उसके अंदर। ये जाकर के आखिर हमारे शरीर के अंदर में कितने रोग पैदा करेगी, हम क्या खा रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हम जो भी दूषित चीज़ें, बाहर की बनी हुई चीज़ें, हमें पता भी नहीं है। एक दुनिया का सबसे छोटा प्राणी मच्छर है, अगर मच्छर को भी आप कहो कि भैया तू, उसका काम है इंसान का खून पीना, अगर उसको कहोगे भैया तू मच्छर इंसान का खून क्यों पी रहा है, ले कोका कोला पी ले, तो मच्छर भी, वो उसका काम खून पीना है तो वो खून ही पिएगा, वो उसका कहने से वो अपना लाइन चेंज नहीं करेगा। हमें परमात्मा ने जो खाने पीने की चीज़ें बनाई है हमारे लिए, हमें शुद्ध सात्विक भाव से उसको बना करके परमात्मा को, भगवान को भोग लगा करके हमें घर की चीज़ ही ग्रहण करनी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़, जैसे आयुर्वेद के अंदर मैदा हमारे शरीर के लिए कोई गुणकारी नहीं है, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि अधिकांश जो पैकेट बने हुए रहते हैं, ये क्या है, ये मैगी है, ये फलाने हैं, ये कुरमुरा है, ये चरपरा है, ये सब मैदे की बनी हुई चीज़ें हम अपने बच्चों को, हम उनको आदत डालते हैं, हम उनको ले लेके खरीद खरीद के देते हैं। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, वो तो बच्चे छोटे बच्चे हैं, अज्ञान है। लेकिन हमें तो कम से कम समझना चाहिए कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, हम बच्चों को किस लाइन में डाल रहे हैं, बच्चों को कैसी आदत डाल रहे हैं। अरे भाई ये मैदा वगैरह शरीर में जाकर के कोई फायदा नहीं करता है, मैदा शरीर के अंदर कोई गुणकारी नहीं है, मैदा शरीर में जाकर के आंतों में चिपक जाता है, ये कब्ज की समस्या पैदा करता है और कब्ज होने के बाद में आपको और विभिन्न रोग के साथ में लेके आता है। इसीलिए मैदा कभी नहीं खाना चाहिए, मैदा आप मत खाइए, भले ही जो शुद्ध गेहूं के जो शुद्ध रोटी है आप उनको खाइए, इसके अतिरिक्त तो चोकर है उसको भी मत फेंकिए, वो जो चोकर जो निकलता है उसको भी आटे को छान करके चोकर उसके अंदर फिर मिला लीजिए, तो आपको कब्ज की समस्या कभी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त कई चीज़ें जो है हमारे शरीर के अंदर, जैसे ये जो पैकेट वगैरह है इसके अंदर ज़्यादा नमक डाला हुआ रहता है, स्वाद के लिए डालते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा चीनी, ये भी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चीनी जो हम खाते हैं ये कोई फ़ायदा नहीं करती है। इससे अच्छा है हम गुड़ खाएं, गुड़ शरीर के अंदर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हाँ, गुड़ के अंदर में भी जो ज़्यादा सफ़ेद दिखता है वो नहीं लाना चाहिए, हमें क्या है अच्छा ये लगता है, अरे ये तो सफ़ेद है, ये हाँ ये सफ़ेद चाहिए, लोगों की एक ऐसी मत आकांक्षा ऐसी इच्छा रहती है कि सफ़ेद खाएं, लेकिन ये गुड़ और ये जो मैदा, नमक और चीनी और ये रिफाइंड तेल, ये जो शरीर के अंदर कोई फ़ायदा नहीं करता है, हमें जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी है हमें उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हितकारी है हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हम अगर इसी टाइप की चीज़ें खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा हवा के लिए, पानी के लिए स्थान रखेंगे और ऋतु को अनुकूल, ऋतु के अनुकूल जो प्रकृति हमारे लिए, ऋतु के अनुकूल जो चीज़ें बनाती है हमें प्रकृति, जो माता है हमारी ऋतु के अनुकूल बनाती है, तो ऋतु के अनुसार ही खाना चाहिए। गर्म में ठंडी, जो ठंडी चीज़ खानी चाहिए, ठंड के अंदर हमें गर्म चीज़ प्रकृति प्रदान करती है तो वो खानी चाहिए। तो ऋतु के अनुकूल हम खाएंगे और कम खाएंगे और हितकारी चीज़ खाएंगे तो मैं आशा करता हूँ आप कभी आप रोग से ग्रसित नहीं होंगे, आप बीमार नहीं होंगे और आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। धन्यवाद। तो मित्रों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और कृष्णकांत का आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।